गुड न्यूज टुडे पर विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। देखिए दिवाली के दिए चारों ओर जगमग जगमग हो रहे हैं, हर कोई दिवाली की रोशनी में पूरी तरह से चमक रहा है, घर घर रोशन है। और आपके घरों को और ज्यादा रोशन करने के लिए थोड़े से पटाखे, थोड़ी सी फुलझड़ियां, थोड़ी सी आरती की थाली और बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी मिठाइयां लेकर आए हैं हमारे कवि। स्वागत है आपका। चले कौन कौन हमारे साथ है एक बार परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं खुशबू, बहुत स्वागत है खुशबू आपका। नील गोरखपुरी हमारे साथ इस वक्त पहुंच चुके हैं, बहुत स्वागत है। अनामिका जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पद्मिनी है, बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए इस बार की दिवाली हम बार बार कह रहे हैं कि क्यों खास है इस बार की दिवाली। इसलिए खास है क्योंकि घर घर दिए जल रहे हैं, खुशियां हो रही है और हर कोई अपने घर से एक दिया प्रभु श्री राम के लिए जला रहा है। तो हम भी शुरुआत करें कवि सम्मेलन की, सबसे पहला दिया प्रभु श्री राम के लिए। अनामिका जी। जी नवजोत जी, गुड न्यूज टुडे के माध्यम से पूरे देश को दीपावली की मंगल कामनाएं बधाई देना चाहती हूँ। यूं तो ये पर्व हम हर वर्ष बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन नवजोत जी इस बार की दिवाली इसलिए खास हो जाती है, विशेष हो जाती है, क्योंकि इस वर्ष हमारा वो सपना पूरा हुआ है, वो सपना साकार हुआ है जिसकी प्रतीक्षा हमने 500 वर्ष से की थी। त्रेता युग में भगवान 14 वर्ष के बाद वनवास पूरा कर अपने घर वापस लौटे थे, लेकिन कलयुग में भगवान राम 500 बरस का वनवास पूरा कर अपने घर वापस लौटे हैं। एक भजन के माध्यम से अपने मन के भावों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले एक कथा आपसे साझा करना चाहती हूँ। एक बहुत प्रचलित सुंदर कथा है कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था और रावण को लगा कि वो युद्ध में राम से पराजित होने वाला है और उसका अंतिम समय बहुत नजदीक है, तब उसने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि आज मैं तुम्हें अपने हृदय की बात बताता हूँ। संसार कहता है कि पुत्र हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, मित्र हो तो राम जैसा, राजा हो तो राम जैसा, लेकिन आज ये रावण कहता है कि शत्रु हो तो राम जैसा। क्या बात। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिनके शत्रु भी उन पर गर्व करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके चरणों में वंदना की पहले कुछ पंक्तियां अर्पित करना चाहती हूँ आपका ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा। कि तर जाता मनुज सहजता से जाप कर, पावन पुनीत उस नाम को प्रणाम है। तर जाता मनुज सहजता से जाप कर, पावन पुनीत उस नाम को प्रणाम है। मंदिरों में गूंजती है झनकारे घंटियों की, अवधपुरी के उस धाम को प्रणाम है। मंदिरों में गूंजती है घंटियों की झनकारे, अवधपुरी के उस धाम को प्रणाम है। छटा जो बिखेरती हो राघव के रूप की ही, सरयू किनारे उस शाम को प्रणाम है। और शत्रु भी पुकारते हो आदर के साथ जिसे, अवध बिहारी प्रभु राम को प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और इस बार अवध की दिवाली कैसी है, प्रभु राम का आगमन हुआ है, अपने भाव एक भजन के माध्यम से आप तक पहुंचाती हूँ। आज अवध में आकर देखो कितना हसी नजारा है, आज अवध में आकर देखो कितना हसी नजारा है। पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है, पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है। जो कहते थे हरगिज अपनी साख नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए पर राम नहीं आने देंगे, वो भी बनकर राम भक्त अब कहते राम हमारा है। पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है, पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है। और कितनी लंबी प्रतीक्षा की हमने, जिसकी एक झलक पाने को नैना कब से तरस गए, जिसकी एक झलक पाने को नैना कब से तरस गए। राम लला को आने में है जाने कितने बरस लगे, राम लला को आने में है जाने कितने बरस लगे। मैंने तुमने और जन जन ने सबने उन्हें पुकारा है, पूरे भारत
भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है। पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है। राम नाम ही याद रहे और बाकी सुध बुध खो जाए। कण कण में बस राम रहे और राम मई सब हो जाए। भव सागर से पार लगाने वाला वही किनारा है। पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है। पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। तो देखिए कुछ इसी तरीके से आज अवधपुरी में भी प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर घर घर में दिए जले हैं, नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। और वैसे भी इस बार की दिवाली खास इसलिए है क्योंकि मेरे राम आए हैं। तो यहीं से बात को आगे ले जाते हैं। पद्मिनी, मैं एक गीत सुनाती हूँ जी। भगवान राम के आगमन पर हर कोई खुश है और जितनी खूबसूरत अयोध्या नगरी सजी हुई है, मुझे लगता है, मैं इमेजिन कर रही थी कि शायद त्रेता युग में भी इतनी ही खूबसूरत लग रही होगी। इसी तरह से दिए जगमगा रहे होंगे। एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ। हर एक घर हर गली चहके, सुमन महके कली महकी, रंगोली दीप शहनाई, हृदय और आंख भर आई। अवध का मान संग लेकर सकल गुण धाम आए हैं। क्या बात है, हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। बन प्रस्तुत है। हर एक घर में दिए की रोशनी भरपूर करने को, क्या बात है, हर एक घर में दिए की रोशनी भरपूर करने को, अंधेरा हर हृदय से राम मेरे दूर करने को, जो कल युग को भी तारे देखिए वो नाम आए हैं, जो कल युग को भी तारे देखिए वो नाम आए हैं, हमारे राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। करोड़ों जन की श्रद्धा से हुआ निर्माण मंदिर का, कि अब तो हो रहा संसार में गुणगान मंदिर का, स्वयं नेपाल से चल कर के शालीग्राम, क्या बात है, स्वयं नेपाल से चल कर के शालीग्राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। हवाओं को दिशाओं को यहाँ कंठस्थ रामायण, किस नगरी में नर का रूप लेकर आए नारायण, यहाँ की धूल लेने हम अयोध्या धाम आए हैं, यहाँ की धूल लेने हम अयोध्या धाम आए हैं, हमारे राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए। और अंतिम बंद हाजिर कर जी, जी। कोई के भट लिए नौका खड़े पतवार थामे है, कोई के भट लिए नौका खड़े पतवार थामे है, अहिल्या और शबरी भी निरंतर प्रार्थना में है, उन्हें भव से लगाने आज खुद अभिराम है, उन्हें भव से लगाने पार खुद अभिराम आए हैं, हमारे राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब।
देखिए प्रभु श्री राम आए हैं, अवधपुरी नहीं बल्कि पूरा देश कैसे जगमग हो रहा है। दीपावली का पर्व ये मनाया जा रहा है, कहीं रंगोली है, कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है, कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं। बस खुशियां इस बात की हैं कि मेरे राम आए हैं। तो कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है, कैसे रंग बिखरे हैं, खुशबू से सुनते हैं। बिल्कुल, पहले तो सबसे पहले तो आप सभी को और सभी दर्शकों को ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। लेकिन चार पंक्तियों के माध्यम से कहूंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि कवि हैं, पंक्तियों से बात रखनी चाहिए। तब कहती हूँ के उजाले हर तरफ होंगे, कटेगी रात ये काली। हम यही दुआ कर सकते हैं। मैं अब कहती हूँ उजाले हर तरफ होंगे, कटेगी रात ये काली, लगेंगे ढेर खुशियों के, न झोली हो कोई खाली, कृपा बरसाए माँ लक्ष्मी, मिले सुख और समृद्धि। कृपा बरसाए माँ लक्ष्मी, मिले सुख और समृद्धि, के GNT की जानिब से सभी को हैप्पी दिवाली। क्या बात है, GNT की जानिब से सभी को हैप्पी दिवाली। और भाई दिवाली है, रंगोली, दिए, मिठाई, हर तरफ हमें रौनक नजर आती है। तब चार पंक्तियां कहती हूँ, और क्या कहती हूँ, लेकिन भगवान श्री राम के आगमन से ये दिवाली कुछ खास है। तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ, क्योंकि दिवाली आस्था वाली भी है, कि करोगे पुण्य और सत्कर्म वो सब काम आएंगे, करोगे पुण्य और सत्कर्म वो सब काम आएंगे, तुम्हारे शून्य जीवन में बहुत सुख धाम आएंगे, तुम्हारे शून्य जीवन में बहुत सुख धाम आएंगे, न घबराओ मुसीबत से वो पालनहार है सबके, न घबराओ मुसीबत से वो पालनहार है सबके, तुम्हारी डूबती नैया बचाने राम। क्या बात है, तुम्हारी डूबती नैया बचाने राम आएंगे। और जब हम दिए सजाते हैं नवजोत जी, हमारी कामना यही होती है कि गणेश जी, माँ लक्ष्मी और भगवान श्री राम का आगमन हमारे घर में हो। मैंने अपने माध्यम से कुछ कहने की कोशिश की है, तब कहती हूँ कि अकेली हूँ सहारा बन के मेरे साथ आ जाओ। क्या चाहिए हमें, अकेली हूँ सहारा बन के मेरे साथ आ जाओ, भंवर में हूँ मेरे भगवान पकड़ लो हाथ आ जाओ, भंवर में हूँ मेरे भगवान पकड़ लो हाथ आ जाओ, बिछा के फूल फूल और दीपक जला के शबरी की भांति, बिछा के फूल और दीपक जला के शबरी की भांति, मैं राहें तक रही हूँ अब मेरे रघुनाथ आ जाओ। क्या बात है, क्या बात है, मैं राहें तक रही हूँ अब मेरे रघुनाथ आ जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये दिवाली है तो जाति धर्म का भेद नहीं होना चाहिए, और होता भी नहीं है। हम लोग अपने जो मुस्लिम भाई हैं उनके घर मिठाई लेकर जाते हैं, ईद पर वो हमारे घर आते हैं, दिए वो बनाते हैं। भारत की, बिल्कुल भारत की जो खूबसूरती है वो इसी में है। तब पंक्तियां कहती हूँ के प्रीत के गीत गुनगुनाएंगे, आज के परिवेश का ये मुक्तक है, कि प्रीत के गीत गुनगुनाएंगे, आओ रंगोलियां सजाएंगे, वध करेंगे मनों के रावण का, ऐसे दीपावली मनाएंगे। बहुत बढ़िया संदेश है, ऐसे दीपावली मनाएंगे। और चलते चलते अंत में क्या कहती हूँ कि दीप दीपावली के जलते हैं, ये वो बात जो मैंने कही कि भारत एक है, कि दीप दीपावली के जलते हैं, चांद खुशियों के फिर निकलते हैं, एक परिवार की तरह हम सब हाथ में हाथ लेके चलते। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो चलिए प्रभु श्री राम और राम के नाम से हमने कवि सम्मेलन की शुरुआत की है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए दिवाली का मतलब पटाखे फुलझड़ियां भी होता है, तो ऐसे में सबसे खास दीपावली बच्चों के लिए भी हो जाती है। वैसे आजकल ये दिन ऐसा होता है कि जब बड़े भी बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि उनका भी मन करता है कि वो भी फुलझड़ियां पटाखे सब कुछ जलाए। हालांकि दिल्ली NCR में थोड़ा सा बैन है, लेकिन फिर भी दूसरे शहरों में बहुत ज्यादा इंतजार दिवाली का होता है, क्योंकि भाई बम पटाखे
वाली खुशियां भी यहाँ मिलती हैं। तो थोड़ी सी नीर लेकर आए हमारे लिए फुलझड़ियां बम पटाखे। मैं बिल्कुल, दिवाली ना ये दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बड़ी आफत इसलिए हो गई है क्योंकि दिवाली का एक महत्व होता था पुराने वक्त में, जब हम लोग ने शुरू किया, हम लोग बचपन से जब हम लोग आए, एक इंतजार पूजा का तो ठीक करते ही थे हम लोग, लेकिन इंतजार ये होता था कि थैले में आपके पापा के पटाखे कौन कौन से आए। हाँ। अब तो यही है कि मेरे से किसी ने पूछा कि होली पर पानी मत चलाओ, दिवाली पे पटाखे नजर, महत्व क्या रह गया। अब ऐसे में माहौल ये है कि मुझे लगता है कि पटाखे जब बंद कर दिए हैं तो एक आम इंसान क्या सोच रहा है दिल्ली एनसीआर का। अभी मेरे से किसी ने पूछा कि नीर भाई दिवाली कैसे मना रहे हो, अब स्थिति है नवजोत जी, तो मैंने उसको बताया एक जग लाऊंगा एक मग लाऊंगा, ऐसी दिवाली जगमग करूंगा। तो मैं बताता हूँ पटाखों के बिना दिवाली का दर्द क्या है। हाँ, पहले चार चार पंक्तियां, उसके बाद एक कविता रखूंगा कि उन पटाखों में जो वैरायटी होती थी उसका रिलेशन कैसे होता था परिवार में। चार पंक्तियां देखिए, दर्द आपके बीच में रखता हूँ कि दिवाली में कितना रोते हैं हम लोग कैसे बताएं, दिवाली में कितना रोते हैं हम लोग कैसे बताएं, जख्म कितने उभर आते हैं भला कैसे गिनाएं, मिठाई डॉक्टर ने तो पटाखे सरकार ने बंद करवा दिए, यार अब ये दिवाली का नींबू चाट कर मनाए। दिवाली का महत्व देखो मैंने कहां से निकाला है, बिना पटाखों की दिवाली कैसी हो जाती है एक इंसान के लिए सुनेगा, बिन पटाखों वाली दिवाली का दुख विकराल है, बिन पटाखों वाली दिवाली का दुख विकराल है, ये सरकारी प्रयासों नीतियों का अकाल है, सरकारी प्रयासों और नीतियों का अकाल है, बिन पटाखों के दिवाली तो ऐसी लगती है हमें जैसे बिना सालियों के होता कोई ससुराल है। ये स्थिति एक मैं आपके बीच में रखता हूँ कि बम पटाखे जो वैरायटी होती थी वो परिवार में कैसे आपस में सामंजस्य और प्यार बढ़ा के रखता था। मैं पटाखों के और उनकी महत्व बताता हूँ आपके बीच में सुनेगा कि पहले तो लेते थे हम ढेर सारे पटाखे, पहले तो लेते थे हम ढेर सारे पटाखे, परिवार के सारे मन मुटाव पिघलने लगते थे, जब फिरकनी घूमती थी तो सब साथ में उछलने लगते थे, जब फिरकनी घूमती थी तो सब साथ में उछलने लगते थे, वो रॉकेट का शू करके ऊपर जाकर फट जाना, वो रॉकेट का शू करके ऊपर जाकर फट जाना, नीचे परिवार का खुशी में चिल्लाना, मतभेदों का घट जाना, मतभेदों का घट जाना, जलते हुए अनार को देखकर सबके चेहरे खिल जाते थे, जलते हुए अनार को देखकर सबके चेहरे खिल जाते थे, सब एक साथ ताली बजाते हंसते तो रूठे दिल मिल जाते थे। बात है। तो रूठे दिल मिल जाते थे, मोहल्ले में भी कभी कमाल की आतिशबाजी पूरी रात होती थी, मोहल्ले में भी कभी कमाल की आतिशबाजी पूरी रात होती थी, कोई फुलझड़ी जलती तो किसी से इशारों में बात होती थी, किसी से इशारों में बात होती थी, हमें खुश कर देते थे ऊन वाले बम और चटर पटर, हमें खुश कर देते थे ऊन वाले बम, पहुंचा दिया आपने नाम सब वो सब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें खुश कर देते थे ऊन वाले बम और चटर पटर, क्योंकि इनके डर से पतरी चुप रहती न करती थी कटर पटर, न करती थी वो कटर पटर, बाजारों में बच्चों का चिल्लाना नहीं दिखता, बाजारों में बच्चों का चिल्लाना नहीं दिखता, हंटर चक्री के लिए सड़क पर गिड़गड़ाना नहीं दिखता, अब गिड़गड़ाना नहीं दिखता। और एक व्यंग रखता हूँ आज की राजनीति में आपको बिल्कुल सटीक बैठेगा मुझे लगता है, जो सियासत पूरे साल करती है और ये बम पटाखे उनको धराशायी कर देते थे, व्यंग उठाता हूँ, सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं समर्थन करना बात का, कि मोहल्ले में एकजुट होके पटाखे जलाना एक काम नेक करता था, मोहल्ले में एकजुट होकर पटाखे जलाना एक काम नेक करता था, जिन्हें सियासत साल भर तोड़ती थी ये उन सबको एक करता था। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, आप एकदम बचपन में ले गए हैं, सही में दिवाली वाला पूरा माहौल बन गया। देखिए दिल्ली एनसीआर में पटाखों के ऊन वाले पटाखे चटर पटर, कवियों के पटाखे तो साथ साथ चल ही रहे हैं। पद्मिनी कुछ और आपके पास पैकेट रखा है पटाखे का, कुछ और फोड़ना चाहेंगे आप? पटाखे का तो नहीं, लेकिन मुझे काजू कतली के साथ बहुत सिंपैथी है। यहाँ पे दर्द सोन पापड़ी का भी है और आजकल तो सोन पापड़ी का साथ देने आ जाती है काजू कतली। हाँ, बेचारे दोनों का दर्द एक जैसा ही है। बताइए, कहीं कहीं बीच में नमकीन भी फंसी है। वो फिर एडजस्ट हो जाती चाय के साथ, बेचारी सोन पापड़ी जहाँ अकेली पड़ी वहाँ काजू कतली फिट हो गई। बताइए, हरियाणा में जो हाल है जलेबी का हुआ,
हरियाणा में जो हाल है जलेबी का हुआ, रावण के असली सर की है पहेली सा हुआ। घर घर में घूम जाती थी जो सोन पापड़ी, घर घर में घूम जाती थी जो सोन पापड़ी, अब हाल वही देखो काजू कतली का, अब हाल वही देखो काजू कतली क्या हुआ। हर वक्त मन हमेशा ही भगवान में रहे, हर वक्त मन हमेशा ही भगवान में रहे, इंसानियत की राह भी पहचान में रहे। चाहे जलाओ लाख दिए बम या पटाके, नीर जी चाहे जलाओ लाख दिए बम या पटाके, लेकिन हवा का शुद्धता भी ध्यान में रहे। लेकिन हवा की शुद्धता भी आगे नहीं चलाने दे, सरकारी संदेश जनहित में जारी। नेताजी कोई खिचड़ी पकाए नहीं ख्याली, नेताजी कोई खिचड़ी पकाए नहीं ख्याली, कवियों को मिले पूरे साल ढेर सी ताली। क्या बात है, कवियों को मिले पूरे साल ढेर सी ताली, सबके दिलों में खुशियों की फुलझड़ियां जल उठे, सबके दिलों में खुशियों की फुलझड़ियां जल उठे, जीएनटी की तरफ से सबको हैप्पी दिवाली, जीएनटी की तरफ से सबको हैप्पी दिवाली। शुभ पर्व पर हम अपने जाबाज सैनिकों को जरूर याद करें जिनकी वजह से हम इस तरह के उत्सव मना पाते हैं। जी कुछ पंक्तियां पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। जले है चिराग से जो रोशनी बिखेरने को, इस शुभ घड़ी याद करना जरूरी है। होली हो दिवाली हो या ईद हो वैसाखी हो, अकेले ही मनाते मिलो घर से तो दूरी है। आपका व मेरा परिवार सारा पूरा है, इसीलिए अपनी दीपावली भी पूरी है। पर बेटे जिनके भी आए ना त्योहार पे भी, उनके तो घर की दीपावली अधूरी है। पर बेटे आए नहीं जिनके त्योहार पर, उनके तो घर की दीपावली अधूरी है। और एक सैनिक की पत्नी जिसका पति वहाँ दूर सरहद पर है, दीपावली के दिन भी वो किस तरह से परिवार की जिम्मेदारियों को उठा रही है, सबको खुश रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन मन ही मन अपने पति से क्या कहती है सुनिएगा। भले मिलो दूर से ही एक बार देख पिया, कोना कोना कैसे मैंने घर का सजाया है। भले मिलो दूर से ही एक बार देख पिया, कोना कोना कैसे मैंने घर का सजाया है। गुजिया जलेबी दाल बाटी और चूरमा भी, तुम्हें जो पसंद मैंने सब वो बनाया है। अम्मा और बाबा को मैं देख मुस्काती हूँ, आंसुओं को मैंने पिया सबसे छिपाया है। तेरे बिना आई यहाँ जब भी दिवाली हाय, तेरे बिना आई यहाँ जब भी दिवाली हाय, दिए संग पिया मैंने दिल भी जलाया है। दिए संग पिया मैंने दिल भी जलाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए सरहद की दीपावली और अपने फौजी भाइयों के नाम, लेकिन अब थोड़ा सा बचपन की ओर आपको लिए चलते हैं। तो बचपन में हम और आप कैसे दिवाली मनाते थे, थोड़ा सा ट्रेलर नीर ने दिया था, इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं बच्चों के मन में। और हमारे वाला जो बचपन था वही वही उसमें और अभी में कितना फर्क आ गया बताइए खुशबू। बिल्कुल फर्क आया। और नीर भैया मैं तो आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखती हूँ, पूरी तरह से सहमत हूँ। मतलब मैं तो खुद को रोक ही नहीं पाई जो जो आपने कहा, लेकिन एक कदम आगे बढ़ के आज के दौर के हमारे घर में भी बच्चे हैं, लेकिन अब दिवाली में वो बात वैसी नहीं रही जैसे आपने और हमने जी ली है। तब कहती हूँ तालियां बजाइएगा ताकि सबको सुनने में लगे कि हम सब सही कह रहे हैं। बिल्कुल हो जाए, इसी से आवाज निकाली। सुनिएगा क्या दर्द है बच्चों का आजकल के, कि बिन पटाखे दिवाली, बिन पटाखे दिवाली कैसे मनाएंगे, बिन पटाखे दिवाली कैसे मनाएंगे, रॉकेट अनार चक्री कैसे जलाएंगे, बिन पटाखे दिवाली।
अब क्या है आगे और सुनिए कि बम की धम धम ना हो और रॉकेट नहीं उड़े, रॉकेट नहीं उड़े, बम की धम धम ना हो और रॉकेट नहीं उड़े, रॉकेट नहीं उड़े, केवल फूल झड़ियां ही हम, केवल फूल झड़ियां ही हम कितनी जलाएंगे, बिन पटाखे दिवाली कैसे मनाएंगे, बिन पटाखे दिवाली। और सुनिए, कहते हैं कि इको फ्रेंडली होना चाहिए सब कुछ, लेकिन जो बात असली में है वो नकली में कहां। अच्छा, तब कहती हूँ सुनिएगा कि इको फ्रेंडली पटाखों में बात वो नहीं, बात वो नहीं, इको फ्रेंडली पटाखों में बात वो नहीं, बात वो नहीं, पर कैसे दस हजारी, पर कैसे दस हजारी लड़ियां जलाएंगे, बिन पटाखे दिवाली कैसे मनाएंगे, बिन पटाखे दिवाली। और सुनिए, सरकारी संदेश हमारी बहन ने भी दिया, तब मैं कहती हूँ एक आम जनता होने के नाते के लिए जा रही। बिल्कुल नहीं, नहीं, मेरी तो आम शिकायत है, वो क्या है कि तुमने तो सब पटाखों को बैन कर दिया, बैन कर दिया, तुमने तो सब पटाखों को बैन कर दिया, हाय बैन कर दिया, बिन आतिशबाजी कैसे, बिन आतिशबाजी कैसे खुशियां मनाएंगे, बिन पटाखे दिवाली कैसे मनाएंगे, बिन पटाखे दिवाली। और पहले वो खुशी अलग थी जब आपने कहा कि पापा के थैले का इंतजार रहता था कि क्या कुछ हमारे लिए लाए हैं, तब वहीं से उठाती हूँ और कहती हूँ कि पापा भी हमको अब के बम ना दिला रहे। पापा को भी डर है सरकार का, नहीं अवेलेबल ही नहीं रहे, मार्केट में मिल ही नहीं रहे, मतलब जहाँ कहीं थोड़ा जुगाड़ से भी मिल रहे हैं जिनकी आवाज थप्पड़ से कम है। तो तब कहती हूँ कि पापा भी हमको अब के बम ना दिला रहे, बम ना दिला रहे, हम बच्चे हैं इस मन को, हम बच्चे हैं इस मन को कैसे मनाएंगे, बिन पटाखे दिवाली कैसे मनाएंगे, बिन पटाखे दिवाली। और अंतिम पंक्तियों में संदेश क्या देती हूँ कि लक्ष्मण सिया संग रघुवर आए अवधपुरी, आए अवधपुरी, जगमग जगमग दिवाली, जगमग जगमग दिवाली फिर से मनाएंगे, बिन पटाखे दिवाली कैसे मनाएंगे, हम बच्चे हैं इस मन को। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो बच्चों की बात हुई, लेकिन हम ये सोचते हैं, मतलब आप सभी से एक एक सवाल भी है, हम ये सोचते हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए दिवाली कैसी होगी, कैसे मनाएंगे। अभी तो फिलहाल पटाखे माइनस हुए हैं, बच्चों को वैसे शुगर भी कम देने के लिए कहा जाता है कि आप मिठाइयां भी माइनस किताबों में आएगा, एक थी दिवाली, एक थी दिवाली, यही रह गया हमारी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा करेंगे वो, हिस्ट्री की किताबें ऐसे होती थी। तो नीर बताइए 2047 तक क्या हाल हो जाएगा जेन जी की दिवाली। जेन जी, यस, मैं आपको बताता हूँ, 2047 की दिवाली स्थिति तो आज भी बहुत अलग ही चल रही है, और देखिए बिल्कुल बदलने वाली है वास्तव में। हम लोगों ने जो दिवाली मनाई, और 2047 तो बहुत दूर की बात है, ये 2-4 साल में आपको नजर पड़ जाएगा, लेकिन बहुत हाइपोथेटिकल लेके चलते हैं 2047 तक, देखिए क्या होने वाला है कि वक्त दर वक्त दिवाली बदली है, अभी और बदलाव आएंगे, वक्त दर वक्त दिवाली बदली है, अभी और बदलाव आएंगे, धीरे धीरे प्यार मिलना मिलाना पटाखों के शोर खो जाएंगे, पटाखों के शोर खो जाएंगे। एक वो दिवाली थी जब पूजा के बाद पटाखों के थैले निकलते थे, एक वो दिवाली थी जब पूजा के बाद पटाखों के थैले निकलते थे, पापा से कुटाई होती थी क्योंकि हम बम लगाकर बर्तनों को फोड़ते थे, क्योंकि बर्तन काम
मुझे तो याद आता है टीवी पर कुछ लोग गोबर का ढेर बना के उसमें भी बना के सारी यादें हमारी सेम इसलिए कि हम पड़ोसी हैं। अच्छा। और हरकतें भी बर्तनों को फोड़ते थे। आज दिवाली न जाने क्यों सिमट सी गई है, आज दिवाली न जाने क्यों सिमट सी गई है, अजीब सी खामोशी में लिपट सी गई है। सोच रहा हूँ भविष्य की दिवाली में हमारा क्या होगा, सोच रहा हूँ भविष्य की दिवाली में हमारा क्या होगा, 2047 में दिवाली का आखिर नजारा क्या होगा, आखिर नजारा क्या होगा। पटाखे फुलझड़ी शायद तब तक काल्पनिक हो जाएंगे। बिल्कुल, पटाखे फुलझड़ी तब तक शायद काल्पनिक हो जाएंगे। ये कैसे जलते थे म्यूजियम में धनतेरस पर टिकट लेकर बताएंगे। ये कैसे चलते थे म्यूजियम में टिकट लेकर धनतेरस पर बताएंगे। प्रदूषण उस वक्त भी अपने चरम पर ही दिखेगा। एक फिर रंग देखता हूँ। प्रदूषण उस वक्त भी अपने चरम पर ही दिखेगा। केजरीवाल भले सत्ता में ना हो पर उनका पटाखा विरोध जारी रहेगा। उनका पटाखा विरोध जारी रहेगा। AI से शायद तब आतिशबाजी होगी। AI से शायद तब आतिशबाजी होगी। ऐसे ही दिवाली मनाने में जनता राजी होगी। महंगाई चरम पर होगी तो कौन दिवाली पर जाकर रूठों को मनाए। ये व्यंग फिर देता हूँ, समझेगा नजो जी। महंगाई चरम पर होगी तो कौन दिवाली पर जाकर रूठों को मनाए। मोबाइल होगा, व्हाट्सएप होगा और एक मैसेज, आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक छोटी सी कविता और, मुझे लगता है जैसा आपने बोला इस दिवाली और उस दिवाली में, इसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि वो पटाखों का शोर, वो लड़ियों पर जोर, वो शुद्ध मिठाइयों का स्वाद, वो प्रेम भाव आपसी संवाद, वो बाजारों की अद्भुत रौनक, वो नई नई फुलझड़ियां रोचक, वो घर पर ही पकवान बनाना, वो नए कपड़े पहनकर सबको दिखाना, करने के लिए अब शरारतें वो ख्याल ही नहीं रही, करने के लिए शरारतें अब वो ख्याल ही नहीं रही। हाय ये दिवाली है वो दिवाली नहीं रही। हाय ये दिवाली नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन देखिए ये सारे रंग हैं 2047 में क्या होगा, कैसी होगी दिवाली, बचपन की दिवाली कैसी थी, हमारी जेन जी की दिवाली कैसी रहने वाली है, वो सब तो हमने जान लिया। लेकिन फिर भी दिवाली का उत्सव जारी, क्योंकि दिवाली हम सारी बातें करते हैं, किस तरीके से दिए जल रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो अनामिका जी और क्या है आपके पिटारे में आज। नवजोत जी आपने सरहद वाली दिवाली की बात की, बेशक वहां सैनिक सब मिलकर वहां दिए जलाते हैं, दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि परिवार की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। किस तरह से वो उनको वो कमी खलती है परिवार की, कुछ भाव पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। न माँ के हाथों की गुजिया, न माँ के हाथों की गुजिया, न गोदी में छोटी बिटिया, न प्यारा सा प्रियतम का साथ, न सिर पर दिखा पिता का हाथ। कितनी फीकी फीकी सी है और खाली खाली दिवाली सरहद वाली, दिवाली सरहद वाली। और किस तरह से अपने बचपन के दोस्तों को वो वहां मिस करते हैं। न यारों का हंसना गाना, न यारों का हंसना गाना, मिठाई लेकर घर आना, दिखाना मंदिर का सजना, सुनाना घंटी का बजना। यहाँ अधूरी रही हमेशा पूजा की थाली, दिवाली सरहद वाली, दिवाली सरहद वाली। चलिए चार पंक्तियां और हाजिर करती हूँ। जितनी दरिद्रता है उसे आप हटा दो, इंसानियत की दूरियां भी आप पटा दो। एक दीप इसी कामना में मैंने जलाया, एक दीप इसी कामना में मैंने जलाया, सबके दिलों से राम जी अंधेरा मिटा दो। सबके दिलों से राम जी अंधेरा मिटा दो। क्या बात है। सबके दिवाली की शुभकामनाओं के साथ चार पंक्तियां उपहार के रूप में आपको देना चाहती हूं। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, भारत की संस्कृति परम
पुनीता बचा लो, कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो। मंदिर तो धूमधाम से बना लिया अब तो, मंदिर तो धूमधाम से बना लिया अब तो, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा संदेश पद्मिनी जो आपने दिया है। तो चलिए अब चलते चलते एक बार आपको दिखा देते हैं अवधपुरी का रंग भी, कैसे आज अयोध्या नगरी जगमग है प्रभु श्री राम के साथ और प्रभु श्री राम के आगमन पर। ये दिवाली कैसी है वहाँ की खुशबू? बिल्कुल नवजोत जी, और मुझे लगता है कि शायद दिवाली का आधार ही वही है कि भगवान श्री राम लौट कर आए थे 14 वर्ष का बनवास काटकर, और तभी हम लोग दिवाली मनाते हैं। लेकिन क्या है राम, क्यों है राम आपके और हमारे जीवन में, चार पंक्तियों में कहने की कोशिश करती हूँ और आपका साथ मांगती हूँ ईश्वर से। क्या कुछ कहती हूँ कि न सुबह जरूरी है न शाम जरूरी है, क्यों दिवाली क्यों जरूरी है, प्रभु श्री राम क्यों जरूरी है, तब कहती हूँ। न सुबह जरूरी है न शाम जरूरी है, न सुबह जरूरी है न शाम जरूरी है, न सुबह जरूरी है न शाम जरूरी है। आधार है जो जग के, आदर्श है जो जग के, वो राम जरूरी है। आधार है जो जग के, वो राम जरूरी है। और चूंकि समय बहुत ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा, तब दो पंक्तियां कहती हूँ कि इस दौर तरक्की में मंजिल को भी पाना है, इस दौर तरक्की में मंजिल को भी पाना है, इस दौर तरक्की में मंजिल को भी पाना है। चरणों में जगा दे जो जो दिल में जगा दे दे, वो धाम जरूरी है। जो दिल में जगा दे दे, वो धाम जरूरी है। और सिर्फ अंतिम पंक्तियां, और ये संदेश होना चाहिए न सिर्फ दिवाली का बल्कि भारतवर्ष के उस प्रत्येक व्यक्ति को जो संस्कार और सभ्यता में विश्वास रखता है, तब कहती हूँ कि न सुबह जरूरी है न शाम जरूरी है। त्योहार कब पूरे होंगे कि बस नाम ही रखने से मर्यादा नहीं आती, बस नाम ही रखने से मर्यादा नहीं आती, बस नाम ही रखने से मर्यादा नहीं आती। किरदार में भी अपने, किरदार में भी अपने श्री राम जरूरी है, किरदार में भी अपने श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो चलिए रोशनी से आपके घर रोशन रहे, दियों की रोशनी से यही कामना हम करते हैं, और आपके घर भी 365 दिन गुड न्यूज आती रहे, आपका हमारा साथ बस यूं ही बना रहे, हम यूं ही उत्सव और त्योहार मनाते रहे, बस इसी कामना के साथ गुड न्यूज टुडे की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली।